अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर्स, दिए गए नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर ए है 13,440 डिवाइडेड बाय 15। अब 15 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 134 के इक्वल आए या फिर 134 से कम आए। तो 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। माइनस करेंगे, 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। अब 14 छोटा है 15 से, हम इस 4 को नीचे ले आएंगे। 15 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 144 के इक्वल आए या फिर 144 से कम आए। तो 15 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल होगा 135 के। माइनस करेंगे, अब 4 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है 5 से, इसको कट करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम कैरी, और यहाँ पर आ जाएगा 3। 14 है, 14 में से 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। अब 9 छोटा है 15 से, 0 को नीचे ले आएंगे। 15 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 90 के इक्वल आए या फिर 90 से कम आए। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। दोनों को करेंगे माइनस, 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 13,440 डिवाइडेड बाय 15 डैट इज इक्वल टू 896। बी पार्ट, 86,449 को डिवाइड करेंगे 29 के साथ, डिवाइडेड बाई 29। अब 29 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 86 के इक्वल आए या फिर 86 से कम आए। तो 29 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 58। दोनों को करेंगे माइनस, 6 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 6 छोटा है 8 से, इसको हम कट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 7, ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 को माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब 28 छोटा है किससे, 29 से, इसलिए हम इस 4 को नीचे उतार लेंगे। अब 29 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो या तो 284 के इक्वल आए या फिर 284 से कम आए। तो 29 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 261। दोनों को करेंगे माइनस, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। अब 23 छोटा है 29 से, इसलिए हम इस 4 को नीचे ले आएंगे। अब 29 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और या तो 234 से कम हो या फिर 234 के इक्वल हो। तो 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये इक्वल होगा 232। दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी 0। अब इस 9 को हम नीचे ले आएंगे। अब 29 के टेबल में 1 दफ़ा होता है 29, 29 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो 86,449 डिवाइडेड बाय 29 डैट इज इक्वल टू 2,981। सी पार्ट, 32,536 को डिवाइड करेंगे हम 56 के साथ, 32,536
डिवाइडेड बाय 56। 56 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 325 के इक्वल हो या फिर 325 से कम हो। तो 56 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 280, तो उनको करेंगे माइनस, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है 8 से, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 2, 12 बन गया, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 45 छोटा है किससे, 56 से, इसलिए हम इस 3 को नीचे ले आएंगे। 56 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो या तो 453 के इक्वल आए या फिर 453 से कम आए। तो 56 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 448, दोनों को करेंगे हम माइनस। अब 3 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है 8 से, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 4, 13 बन गया, 13 में से 8 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये भी 0। अब 5 छोटा है किससे, 56 से, इसलिए हम इस 6 को नीचे ले आएंगे। अब 56 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 56, दोनों को करेंगे माइनस, रिमाइंडर आएगा 0, 32,536 डिवाइडेड बाय 56 दैट इज इक्वल टू 581। डी पार्ट 47,088 डिवाइडेड बाय 48 48 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 470 के इक्वल आए या फिर 470 से कम आए। तो 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो ये आ जाएगा 432, तो उनको करेंगे माइनस, 0 में से 2 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा है 2 से, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कैरी और ये इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, वे 10 बन गया, 10 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 8 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब 38 छोटा है किससे, 48 से, इसलिए हम इस 8 को नीचे ले आएंगे। 48 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 388 के इक्वल है या फिर 388 से कम आए। तो 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आएगा 384, दोनों को करेंगे माइनस, 8 में से 4 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये भी 0। अब इस 8 को हम नीचे ले आएंगे, 48 दोनों को करेंगे माइनस, 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 47,088 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज इक्वल टू 981। 56,780 डिवाइडेड बाय 20 अब 20 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो 56 के इक्वल आ जाए या फिर 56 से कम आए। तो 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा 40, तो उनको करेंगे माइनस, 6 में से 0 को माइनस करेंगे आ जाएगा 6 और 5 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1। अब 16 छोटा है 20 से, इसलिए हम इस 7 को नीचे ले आएंगे। 20 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो 167 के इक्वल आ जाए या फिर 167 से कम आए। 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आ जाएगा 160, तो उनको करेंगे हम माइनस, 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 6 में से 6 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब 7 छोटा है किससे, 20 से, इसलिए हम इस 8 को नीचे ले आएंगे, बन जाएगा 78। 20 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो 78 के इक्वल है या फिर 78 से कम आए। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ वो इक्वल होगा 60 के। अब दोनों को करेंगे माइनस, 8 में से 0 को माइनस करेंगे आ जाएगा 8 और 7 में 6 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1।
अब 18 छोटा है किससे 20 से, इसलिए हम ज़ीरो को नीचे ले आएंगे। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, यह आ जाएगा 180। दोनों को करेंगे हम माइनस, 180 में से 180 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा ज़ीरो। 56,780 डिवाइडेड बाय 20 डैट इज़ इक्वल टू 2,839 है। 26,166 डिवाइडेड बाय 98 26,166 डिवाइडेड बाय 98। अब 98 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो वो 261 के इक्वल आए, यहाँ पे 261 से कम आए, तो 98 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो इक्वल होगा 196। दोनों को करेंगे हम माइनस, 1 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है 6 से, इसलिए हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे लेंगे कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते इसलिए हम इसको करेंगे कट, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको हम देंगे कैरी, तो ये बन जाएगा 15 में से 9 को माइनस करेंगे आ जाएगा 6। अब 65 छोटा है 98 से, इसलिए 6 को हम नीचे ले आएंगे। अब 98 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो वो 656 के इक्वल आए, यहाँ पे 656 से कम आए, तो 98 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ तो इक्वल होगा 588। दोनों को करेंगे माइनस, अब 6 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 6 छोटा है 8 से, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कैरी, यहाँ पे बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16 में से 8 को माइनस करेंगे आ जाएगा 8। 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है 8 से, इस चीज़ को हम करेंगे कट, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 14 में से 8 को माइनस करेंगे आ जाएगा 6। अब 68 छोटा है 98 से, इसलिए हम इस 6 को नीचे ले आएंगे। अब 98 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो वो 686 के इक्वल है, यहाँ पे 686 से कम आए, तो 98 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ तो ये आ जाएगा 686। दोनों को करेंगे माइनस, तो 686 में से 686 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो। सो 26,166 डिवाइडेड बाय 98 डैट इज़ इक्वल टू 267। जी पार्ट 73,810 को डिवाइड करेंगे हम 11 के साथ, 73,810 डिवाइडेड बाय 11। ओके, 11 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ तो 73 के इक्वल है, यहाँ पे 73 से कम आए, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ डैट इज़ इक्वल टू 66। दोनों को करेंगे हम माइनस, अब 3 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है 6 से, इसलिए इसको हम करेंगे कट, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 13 में 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 छोटा है 11 से, इसलिए हम इस 8 को नीचे ले आएंगे। अब 11 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ तो 78 के इक्वल हो, यहाँ पे 78 से कम हो, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ तो वो इक्वल होगा 77 के। दोनों को करेंगे माइनस, 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से 1 को नीचे ले आएंगे, अब 11 दोनों को माइनस करेंगे, 11 में से 11 को माइनस करेंगे आ जाएगा 0। अब ये 0 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 73,810 डिवाइडेड बाय 11 डैट इज़ इक्वल टू 6,710। लास्ट पार्ट है 64,454 डिवाइडेड बाय 32 32 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ तो 64 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 64 से कम हो, 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। माइनस 64 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे हम ले आएंगे 4। अब 32 0 4 में से 0 को माइनस करेंगे आ जाएगा 4, अब 4 छोटा है किससे 32 से, इसलिए हम इस 5 को नीचे ले आएंगे
32 माइनस, फाइव में से टू को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री, और फोर में से थ्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वन। अब ये 13 छोटा है 32 से, इसलिए हम इस फोर को नीचे लेकर आएंगे। अब 32 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 134 के इक्वल आए या फिर 134 से कम आए। 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आएगा 128, दोनों को करेंगे माइनस। अब 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है 8 से, इसलिए हम यहाँ इसको कट करेंगे, यहाँ पे लेंगे कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 2। 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। इसका लिखेंगे हम क्वोशेंट, 2014, और इसका जो रिमाइंडर है वो है 6।